परिवार को बिन बताए पुरुलिया जेल भेजे गए कैदी की मौत, थाना के बाहर प्रदर्शन। शेख रबीउल आलम 28 वर्षीय फेरीवाला निवासी वार्ड नंबर 82 हीरापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचल मोहल्ला 4 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। हीरापुर थाना पुलिस ने 5 सितंबर को उसे आसनसोल कोर्ट में पेश किया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। 7 सितंबर को उनकी पत्नी हनोफा बीबी और दो नाबालिग बच्चियां आसनसोल सुधार केंद्र उनसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि उन्हें 20 तारीख को जमानत मिल जाएगी। फिर 14 तारीख को उसकी बड़ी बहन उसके भाई से मिलने आई। उन्हें बताया गया कि उन्हें पुरुलिया जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है। दोपहर करीब 1 बजे वह घर लौटी। इसी बीच हीरापुर पीएस से एक अधिकारी उनके आवास पर आए और बताया कि पुरुलिया में उनकी मौत हो गई है। अब परिवार जानना चाहता है कि उन्हें पुरुलिया क्यों स्थानांतरित किया गया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। रानीगंज के पूर्व विधायक और वार्ड संख्या 82 की पार्षद नरगिस बानो के पति सौराब अली का कहना है कि वह यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें पुरुलिया क्यों स्थानांतरित किया गया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। शेख रबीउल आलम की मृत्यु का रहस्य का क्या राज है, किस कारण से उसकी मृत्यु हुई है, इसको सार्वजनिक पुलिस को करना चाहिए। तो मृतक के परिवार वाले व स्थानीय लोगों ने हीरापुर थाना घेराव कर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग थी कि उन्हें बताया जाए कि शेख रबीउल आलम को पुरुलिया जेल क्यों भेजा गया और उनकी मृत्यु कैसे हुई। এইসে বলবে কি মনে হচ্ছে যে আপনার স্বামী ছিল এরা এখান থেকে মেরে ওখানে পাঠিয়েছে বাস এখানে এরা মেরে আপনাদেরকে জানানো হয়েছিল যে না আমাদের কিছু বলা নাই আমাদের কিছু বলা নাই কি হয়েছে আমাদের ফোন করে নাই তোমাদের পেশেন্টের শরীর খারাপ আমি গেছি যে হাসপাতালে ভর্তি করছি আমাদের কিছু বলো ভর্তি কি বলে আমরা জানি না কি বাদ দিয়ে কেন হলো এটা কাটা সব চাই তারপর এই দৃষ্টি কই দাস কেন পাঠাই আপনার কি মনে হচ্ছে যে আমরা কি নাম আপনার নামটা কি অনুভা বিবি আমার স্বামীর নাম শেখ রবিলাল यहाँ इंसानियत की बात है जी हाँ। और जहाँ इंसानियत की बात होती है वहाँ सब इंसान को रहना हाजिर हाजिर रहना जी हाँ। भाई, लेकिन अभी भाई, अंदर जाकर टेबल में बैठकर ये पता चला कि जो अंदर में बोला जा रहा है वो लोग करा गया है कस्टडी में लेने के बाद। मेरा आपके माध्यम से हीरापुर पुलिस स्टेशन से और आसनसोल करेक्शनल होम और यहाँ के ADPC से ये क्वेश्चन है कि कैसे आप पुरुलिया जेल जो इनको भेजे, पुरुलिया जेल क्यों भेजे, किस बेसिस पे भेजे। अभी उनके एक ऑफिसर बोल रहे थे उसको मेंटल था इसलिए भेज दिए। तो मेरा और एक सवाल है पुलिस से, क्या पुलिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को छोड़कर सिर्फ किसी के बातों पे चल रही है क्या? अपने संविधानिक आर्टिकल्स और सेक्शन को भूल चुकी है क्या? संविधान में ये साफ जाहिर किया हुआ है, संविधान में ये साफ लिखा हुआ है कि आप संविधान में ये साफ लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को चाहे वो कितना भी बड़ा पागल हो उसके परिवार को जब तक आप इंफॉर्मेशन नहीं देंगे तब तक आप उसको कुछ भी नहीं करेंगे, चाहे वो फांसी हो चाहे कुछ भी हो। तो मैं आप मीडिया के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ, एस के रबीउल का जो डेथ हुआ है, एस के रबीउल को जो मार दिया गया है पुलिस में, इसके लिए पूरा का पूरा जिम्मेदार पुलिस है, प्रशासन है। और इसके साथ साथ पुलिस को इसका भुगतान भरना पड़ेगा जी, 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 उस परिवार के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो मिसाल कायम करे। और एक बात पुलिस को ये भरोसा दिलाना होगा कि आने वाले दिनों में हीरापुर असेंबली में हो चाहे ADPC का कोई भी इलाका हो, उस कोई भी इलाके में ये घटना नहीं घटेगी। अगर घटेगी तो फिर सीधा सीधी कमिश्नर ऑफिस जाम करेंगे, हीरापुर आसनसोल नॉर्थ ये वो कोई थाना जाम नहीं होगा पुलिस। आप लोग क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं, ये हत्या किया गया है? ऑब्वियसली ये कस्टोडियल मर्डर है, यही है ये कस्टोडियल मर्डर है। अगर
अगर पुलिस सकारात्मक रोल पे होती, पुलिस अपनी सब कुछ अपने पावर से करती, अपने कॉन्स्टिट्यूशन से मिलाकर करती, तो ये अंजाम नहीं होता। मैं इसके लिए पुलिस को जिम्मेदार देता हूँ और जेलर को जिम्मेदार देता हूँ। हम लोग को जब पता चला 3:25 में, तब से हम लोग परेशान है। लड़का के साथ क्या हो रहा है? सारे मोहल्ले के लोग परेशान है। यहाँ कोई पार्टी के झंडा बैनर तक नहीं है। हम लोग इंसानियत के लिए आए हैं और हम प्रशासन से ही मांग करते हैं कि उसको कब भेजा गया, कैसे भेजा गया, किस तारीख को उसका डेथ हुआ, हम लोग को पूरा बताया जाए। नहीं बताने से हम लोग आंदोलन को और बड़ा करेंगे। इंसानियत का आंदोलन है। छोटा बच्ची है, उसकी माँ है, रो के उन लोग का बुरा हाल हो गया है। क्या हाल है उसका, जाके देखिए घर में उन लोग का। इतना बड़ा बच्चा, लोग क्या कहाँ से उसका बच्चा का परवरिश होगा? प्रशासन हमको बताए, प्रशासन से ये मांग करते हैं, डीएम साहब से मांग करते हैं, डीएम साहब से ये मांग करते हैं कि हम लोग डीएम साहब यहाँ पर आके हम लोग का बयान दे। मैं उनसे हाथ जोड़ के बोलते हैं कि इनका पूरा तफसील हम लोग को बताए, पूरा जनता को बताए, पूरा जनता, पूरा यहाँ के बनपुर की आवाम जानना चाहती है कि उस लड़का का डेथ कैसे हुआ। पूरा बनपुर की जनता जानना चाहती है, हर एक बच्चा जानना, हर एक लड़का कल और तक कोई